नादिया आपका बचपन कैसा था हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे तो hmm. so फिर मैं उनके स्ट्रगल देखती थी कि बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल की है तो किस टाइप की स्ट्रगल लाइक like, क्योंकि हम लोग बहनें थे और दो भाई और मेरे वाले साहब जो है वो पेंट का, का काम करते थे लाइक like, रंग का, का काम करते थे तो so कभी होता था कभी नहीं होता था तो फिर अम्मी जो है वो भी जॉब करती थी काम करती थी इंटर कंप्लीट किया तो दो महीने की छुट्टियां थी मेरी ना तो मैंने फिर ऐसे ट्राई किया कि चलो जब छुट्टी है तो क्यों ना कि जब अब मैंने इतनी काम इतनी मेहनत करी तो मैं कुछ करूं उनके लिए का तो फिर मैं गई स्कूल में गली के स्कूल में गई हूं तो मैंने बोला आप विदाउट पे मुझे रख लें टू मंथ्स जो है मेरी छुट्टियां हैं और मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है ठीक है ना तो कहिए ठीक है वो बहुत खुश हो गए कि चलो अच्छी बात है उन्हें तो जाहिर सी बात है ज़रूरत है अपनी काम करेंगे रहे तो कही ठीक है आप आ जाइएगा तो बहुत अच्छा मेरा स्कूल में एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों के साथ बहुत पंचुअल जाना और बच्चों को टाइम देना और शौक भी था बहुत शौक को भी था क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही रही हूँ तो फिर वही मेरे माइंड में भी था और वन मंथ के बाद उन्होंने मुझे इतना देखा कि ये बहुत अच्छा कर सकती है तो उन्होंने मुझे फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज है ना सैलरी दी पर बर्म, मंथ हाँ और मुझे यकीन नहीं आता कि वाह फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज लाइक एक लाख रुपए मुझे वो लग रहे थे और मुझे मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि अम्मी मैं पंद्रह सौ रुपए कमा कर लाई हूँ वो वो आपकी फर्स्ट सैलरी तो थी ना तो उसका थी, एक हाँ, एक अलगी, एक अलगी तो तो एक अलग ही खुशी मेरा बहुत अच्छा वो रहा और फिर मैं तो खुश हो, मैं खुश कहती बस अब मुझे कुछ करना है और मैं कर सकती हूँ आपके अम्मी अबू ने कुछ पढ़ा लिखा था नहीं अम्मी अबू ने भी कुछ नहीं पढ़ा और मेरी बहनों की भी इतनी ज्यादा वो उन्होंने भी नहीं पढ़ा ना क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं थे रिसोर्सिस पढ़ाने में जो सबकी सपोर्ट थी कि ये पढ़ लेटलीस्ट फिर

तो मैं कहती जब मॉन्टीसी मैंने डिप्लोमा कर लिया ग्रेजुएशन कर ली मेरे पास एक अच्छी डिग्री है तो फिर भी उनको ये था कि चलो ये बंदी है मतलब इसको तो नीड है जॉब की तो हाँ, तो मैंने टू ऑब्जर्वेशन हमारे डिप्लोमा में था मैंने वो किया फिर भी उन्होंने क्या कहा कि आप वन मंथ और जो है अब हमें जो है ना इंटर्नशिप करेंगे विदाउट पे मैं ठीक है ये भी कर लेती कोई बात नहीं और ये एक फिजिकल जॉब होती है मोन्टेसरी में आपको बहुं बच्चों ज्यादा बच्चों के साथ इतने मतलब के आपको अटेंशन बिल्कुल और टोस होना चाहिए कि बच्चा कुछ कर ले क्या कर ले और जब मॉर्निंग में बच्चे आते हो वो रोते हुए आते हो उनको टैकल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिल्कुल इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब बहुत उसमें आपको फिजिकली मेंटली हर चीज प्रेजेंट होना पड़ता है अच्छा फिर आपने ये वाली जॉब कंटिन्यू की कंटिन्यू कर लीजिए आपकी पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिल रहा था आपकी जॉब से जी अल्लाह का शुक्र ये बहुत अच्छा फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट था तो उसकी वजह से मैं यहाँ तक कर पाई हूँ अच्छा तो, फिर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या स्टेप था फिर जॉब की वैकेंसी आई हुई थी ना कहाँ पे प्रेजेंट की आप कुछ बता सकती हैं कि जेल की जॉब में क्या वैकेंसी आई हुई थी और वो किस तरह की जॉब थी हाँ लाइक वो इसी तरह की जेल में जो है वो मदर्स uh, औरतें होती हैं तो उनके साथ बच्चे होते हैं hmm. ठीक है ना उनको पढ़ाना है मुझे गाइड इस तरह कह गया था कि इस तरह के बच्चे हैं और जो है ना उनको पढ़ाना है hmm. तो फिर अम्मी को बताया कि अम्मी इस तरह जेल में पढ़ाना है तो सब जेल का सुन के शॉक्ट हो जाते थे जेल मतलब के जेल में जाओगे <laughs> तो अम्मी और अबू मतलब वो तो ठीक है ट्रस्ट है भरोसा है

Uh, हम मूवीज में देखते हैं कि शायद क्या पता यूनिफॉर्म में हम आए तो कौन से वही है ना कि <laughs> जो यूनिफॉर्म में और खाना जो देते यूनिफॉर्म, हाँ. हाँ और खाना ऐसे देते होंगे पर टोटली डिफरेंट uh, uh, वो, कैसा था वो जेल uh, जब मैं अंदर गई अच्छी जगह तो नहीं है ओबियसली किसी के लिए भी अच्छी जगह नहीं है बट hmm. वहाँ जब मैं गई तो फर्स्ट डे के uh, बच्चों को देखा औरतों को देखा तो एक

बस वो जाओ तो फ़ौरन जैसे आ जाते थे कि टीचर आइए टीचर आइए तो टीचर अलग प्यार देगी। प्यार देगी हाँ नाती जब आप पहली दफ़ा उन बच्चों से मिली और पहली दफ़ा आप एज ए टीचर उनकी क्लासरूम में गई तो बच्चों का कैसा रवैया था आपकी तरफ मतलब कि बच्चे जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेटेड वहाँ पर बंद होते हैं जैसे स्कूल में आते हैं तो उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा नोटी एकदम से कोई भी चीज़ हिट कर देना कोई भी टॉयज उठा कर या आपको बाइट कर ले कोई चीज़ कर ले हाँ तो रोकने से लाइक फिर वो कमीज़ खींचना बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे तंग किया फिर मैं सम टाइम ऐसा था कि बस अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि भी नहीं मैं ऑफिस जाती थी फिर मेरे जो लाइन मैनेजर है वगैरह ने आ दिया जब तुम इतना कर सकती हो तुम इतना एक्सपीरियंस है तो फिर थोड़ा तो सा देख लो सबर कर लो ये क्योंकि बच्चों में तो बहुत एग्रेशन था जो अपने प्रेजेंट की फ्रस्ट्रेशन है वो क्लासरूम में फिर लेके ले आते, आते थे, थे जो आपको मैनेज करनी पड़ती थी एक वजह ये भी थी कि मैं न्यू टीचर थी बिल्कुल और ज़ाहिर सी बात है बच्चों को फिर एक टीचर के साथ एक कोई न्यू हो गए तो फिर उनके साथ एडजस्ट करने में भी टाइम चाहिए होता है जब इस तरह की हरकतें ये लोग करते थे बच्चे तो आप किस तरह से डील करती थी बिल्कुल पलाइटली प्यार से ऐसे नहीं कि मैं भी उनके साथ हर्ष हो जाऊँ या मैं रूड बिहेव करूँ इस तरह तो फिर और ज़्यादा अच्छी बात है क्लास की वो इन्वामेंट खराब होगी तो फिर मैं बहुत प्लाइटली प्यार से बच्चों को रोकती थी मना करती आज टीचर आपको ये देंगे ये देंगे तो एक होता था ना बच्चों में कि अच्छा टीचर शायद हमारे आज ये लेकर आएंगे लेकर बलून बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है कैंडीज तो फिर वो बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मिलता था कि हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो फिर हमें टीचर ये देंगे तो थोड़ा टाइम लगा बट ये के सब फिर सेट होते गए आराम आराम से बच्चे भी वो सेट हो गए एडजस्ट हो गए मुझसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है जेल की जो कानून है लॉ उसमें दो से नौ साल तक के बच्चे जो है वो अपनी मदर्स के साथ रह सकते okay. हैं ओके प्रिजन का माहौल मिला हुआ होता है कोई इंटरेक्शन आउटसाइड दुनिया हाँ, से नहीं होती है कुछ नहीं होता अगर कुछ होते हैं जो वहां पर भी बॉन्ड होते हैं मतलब कि बिल्कुल तो वो नौ साल तक के बच्चे वहां पर रह सकते हैं और आपके सेज के बच्चों को पढ़ाने गई मैं जो है थ्री टू नाइन के yes, स्टूडेंट्स बच्चे ट्रामा देखा तो होता है फिर पहले, पता नहीं, घर में और हालात कैसे हो और कैसे किस रीजन के लिए वो उनकी अम्मी जेल तक बच्चे से पूछो तो बच्चे इतने वो होते हैं मतलब कि उनको ये नहीं पता होता कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं उनके लिए यही दुनिया है यही दुनिया है बेसिकली अलग ही दुनिया है आपको आपको कोई ऐसा मोमेंट याद है कि किसी स्टूडेंट ने आके कुछ आप सब क्या हो, कुछ शेयर हो यार के बच्चों को नहीं पता हर वक्त दुआ करते टीचर अल्लाह आपको भी बरी कर दे और हमें भी बरी कर दे मतलब कि हम भी चले जाए और आप भी चले जाए मतलब रिलीज हो जाए मैं भी जेल में ही होती हूँ हाँ वहाँ तो बच्चे आते जाते रहते हैं ना और जैसे जिनकी जितनी केस होगी वो फिर रिलीज भी हो जाते हैं तो उनको यही उनकी हर वक्त यही दुआ होती है टीचर आप भी चले जाए और हम भी चले जाए नादिया तो जो ये बच्चे हैं उनको स्कूल के अलावा जब ये अपने कमरों में जाते हैं या अपने उसमें जाते हैं सेल में हाँ एग्जैक्टली बैरिक्स हुँ. में तो इनको किस किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आ, यही है कि जब वो जाते हैं तो वो जाहिर सी बातें एक टाइम पीरियड्स होते हैं जब मेरे पास बच्चे होते हैं तो उसमें वो अच्छी चीज़ें सीख कर जा रहे होते हैं बिल्कुल दैन वो अंदर जाते फिर उनको वही चीज़ें सीखने को मिलती है वो अंटियाँ ये कर रही थी वो सिगरेट पी रही थी तो जो अंदर हो रहा होता है जो चाहे लेडीज़ करें या उनके स्टाफ करें वो सारे टीचर्स को आके बताते हैं कि टीचर आज ये हो गई आज लड़ाई हो गई कुछ अच्छा देखते तो अच्छा बताते हैं कुछ बुरा होगा तो वो बुरा बताते हैं लेकिन टीचर से वो हर चीज शेयर करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली उन्हीं से हो रहा होता है तो आपका जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चे भी उसी ट्रैक पे ना जाएं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, तो और उनका आम, एजुकेशन पे किस तरह का रिस्पांस है उनकी मदर्स का वो का खुश होती है वो खुश होती है वो कहती है टीचर ठीक है आप बच्चों को आप होमवर्क भी दिया करें वो ख़ुद से भी बोलती है कि उनको पढ़ने का शौक है और हमें आके खुद बता रहे होते हैं पढ़ा रहे हो और आपको भी ये करना है हमारे टीचर ने बोला तो वो एक डर होता है कि हमें तो ये करना ही करना है कि हमारी टीचर ने ये बोला है Hmm. तो बच्चे के लिए हो जाता है जो टीचर बोलेंगे तो बस वही करना है हमें क्योंकि टीचर उनके लिए बहुत, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा क्या फील होता है अपनी जॉब के, के बारे में आपके वो आपको आपकी जॉब आपको क्या दे रही है मेरी जॉब मैं उनसे भी कुछ सीख रही हूँ लाइक बच्चों से एक तो कितना मतलब पेशेंट सबर हर इंसान के अंदर एक सबर होना बहुत जरूरी है आपको पता है कि स्ट्रगल करना क्या होता है और पढ़ाई का फायदा क्या फायदा है क्या और अब है, आप exactly. उ, उन बच्चों को भी यही चीज दे सकती हैं जिस तरह से आपकी फैमिली ने पूरा मिल के एक बंदे को पढ़ाया राइट पढ़ा right? exactly. तो उसी तरह से आप भी इन बच्चों को जिनके पास वाकई कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है जेल में उनको भी आप उसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रही है अपने काम से मेरा भी एक थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूट है कि ये बच्चे भी कुछ आगे जाके कुछ पढ़ लें कुछ कर लें हमारी जो मॉन्टेस्ट्री है बिल्कुल वो बेसिक है जब यहाँ से बच्चा जाता है बाहर जो मेरे साथ जिनके कांटेक्ट हुए तो उन्होंने वो हमें बताया कि टीचर हमारा एडमिशन हुआ है स्कूल में तो उससे उनके बहुत खुशी होती है यही अचीवमेंट है कि अगर बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं पढ़ के जा रहे यही मेरे लिए जो है वो सक्सेस और अब उसके अंदर इतनी exactly. ज़्यादा वो मोटिवेशन है पढ़ने की कि जेल छोड़ने के बाद भी उसने स्कूल में एडमिशन हमें हा, पढ़ना है टीचर और आपका काम सिर्फ काम नहीं है जॉब नहीं है वो एक सर्विस है सोसाइटी सोसाइटी के लिए